क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। तो इसका जो पार्ट 3 पार्ट है, पार्ट 1 में है 2.38 × 3.901 डिवाइडेड बाय 4.8। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट, 4 का पार्ट थर्ड, ये पार्ट 1। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि एक्स के इक्वल है, क्वेश्चन किसके बराबर है एक्स के। तो अब इसका हम लेते हैं लॉग, टेकिंग लॉग, क्योंकि लॉगरिथमिक टेबल से आप अगर डायरेक्ट भी इसको आप उसे मल्टीप्लाई करें और उसे डिवाइड कर दें जवाब आएगा, कैलकुलेटर से आप इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और उसे डिवाइड कर दें तो जवाब आएगा, वो आप ग्राफ फॉर्मेट में साइड पर लिख लें और जो इसके एंड पे जवाब आएगा लॉगरिथम से करके वो दोनों से मैच करने चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहे तो उसका मतलब है आपका गलत है तरीका। आप दो बार इसको करके आपसे मल्टीप्लाई करें, इसे डिवाइड करें तो आपका एक पता लगेगा आपको आपका जवाब एक्यूरेट है। एक बार करेंगे जवाब आएगा, दूसरी बार करेंगे वही आ रहा है, तो आप इतने आपका जो कैलकुलेटर से आपने प्रोसीजर किया है वो बिल्कुल सही है। तो फिर आप ना इस प्रोसीजर से आप गलती फाइंड कर लें। इसकी स्टार्ट करता हूँ टेकिंग लॉग, तो लॉग टेकिंग लॉग लॉग ले रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स। लॉग क्यों लिया है कि इसको मल्टीप्लाई से प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। क्या लेट्स सबसे पहले तो लॉग इस तरह आ जाएगा 2.38 मल्टीप्लाई बाय 3.901, जो उसने पिछले सवाल में किया उसका आप उल्ट कर रहे हैं, ठीक 8 3। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई से किसमें प्लस में और डिवाइड से किसमें माइनस में चले जाएंगे, तो इसको लिख सकता हूँ मैं लॉग ऑफ 2.38, ठीक स्टार्ट से करके पूरा आ जाए, इसे लिख सकते हैं लॉग 2.38 प्लस लॉग 3.901 माइनस लॉग 4.83। पहले हम इस स्टेप से इस स्टेप पे जा चुके हैं, अब इस स्टेप से इस स्टेप पे आए हैं, वाइस विस्तार चलता है। मसलन इसको रिवर्सेबल है, इसका आप ये भी कह सकते हैं रिवर्सेबल है, इसको रिवर्स किया जा सकता है, ठीक ये आ गया। अब कैलकुलेटर से आप इनका लॉग फाइंड करें 2.38 का या टेबल की मदद से, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कैलकुलेटर, क्योंकि उनको थोड़ी बदवाब आनी है कि आपने कैलकुलेटर से किया या टेबल से किया। तो इजी ये मेथड है 2.38, ये आ जाएगा 0.3757। तो आप इसका फोर डेसिमल प्लेस 0.37 0.37657 57 जो होता है 75 से बड़ा है तो उसको लिख सकते हैं 37 0.37657 आया है 657। तो ये 7 सो ऑन चल रहा है, 75 से बड़ा है तो उसको 6 कर सकते हैं, क्योंकि 4 डेसिमल प्लेस सिस्टम में लेके जाने के लिए ये अच्छा तरीका है। इधर भी 3767 आया है, अगेन 0.37657, ठीक। अब ये 5 से बड़ा है तो इसको 6 कर देंगे, इसकी जगह पे 6 और ये 7 यहाँ से रिमूव कर देंगे। एज इट इज जो नेक्स्ट टर्म आएगी उन पे भी हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, लॉग अगेन ले लिया लॉग 3.901, तो ये किसके बराबर आ गया 0.59111 है। अगर आप इस तरह लिख रहे 0.59912 क्योंकि 117 है, 59117 है, 75 से बड़ा है, 4 डेसिमल प्लेस करेक्ट कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट वही आंसर आएगा जो इसे होता। अब इसका करते हैं माइनस लॉग ऑफ 4.83, ये आ जाएगा 0.68394 है, तो 9 एज इट इज रहेगा, तो ये आ गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे कैलकुलेटर की मदद से ही, तो ये आ जाएगा 0.3766 प्लस 0.5912 माइनस 0.6839, ठीक। तो ये बन जाएगा 0.2839।
अब इसका यूज क्या है, लॉग से हमने क्यों किया? अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें डेसिमल प्लेस को, जो डेसिमल वाले टर्म्स होते हैं मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता है कैलकुलेटर के बगैर, कैलकुलेटर से आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं एग्जैक्ट यही जवाब आएगा, 2.38 मल्टीप्लाई बाय 3.901 डिवाइडेड बाय 4.83। तो ये आ रहा है, एक मिनट, 2.83 1.480। तो ये तो जॉब चेंज आ रहा है, इसका लॉग ले लेंगे। तो अच्छा, अभी ये जॉब आएगा, लॉग ले लें, ये निकाला एक्स, ये वो जो वैल्यू है उसकी डायरेक्ट आएगी एक्स की, वो आएगी 1.922। ये किसके बराबर इसका जवाब आ रहा है, अगर मैं रफ में लिखूं तो ये आता है 1.922231। ठीक, तो अभी तक हमने एक्स नहीं फाइंड किया, अभी हम किस पे चल रहे हैं, लॉग ऑफ एक्स पे। अब हमने एंटी लॉग इसका फाइंड करना है, अभी तक हमने क्या फाइंड किया है, ये हमारी जॉब नहीं है, ये है लॉग ऑफ एक्स, सॉरी, अभी हमें आगे चलना है, लॉग एक्स। अब इसका लेना है हमने एंटी लॉग, क्योंकि हमने एक्स फाइंड करना है, ये क्या है एक्स है, ये रफ वर्क में आपको एक वैल्यू लिखी कि ये हमारा जवाब इसके बराबर आना चाहिए, कैलकुलेटर से मैंने करके देखा। तो अब एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग टेकिंग एंटी लॉग, तो लॉग एंटी लॉग लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा एक्स, और इस तरफ क्या आ जाएगा एंटी लॉग किसका, 0.2839 या 0.2839 का एंटी लॉग। अब एंटी लॉग किस तरह लेंगे, उसी तरह कैलकुलेटर की मदद से फाइंड कर लें, या फिर लॉगरिथमिक टेबल ओपन करें और लॉगरिथमिक टेबल से आप फाइंड करें। तो लॉगरिथमिक टेबल एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो कैलकुलेटर यूज करें। और कैलकुलेटर से किस तरह होगा, शिफ्ट लॉग 0.028, सॉरी 0.2839, तो ये किसके एग्जैक्ट बराबर आ जाएगा, 1.922 and 6, तो इसको आप लिख दें, ये आ जाएगा 1.9226। तो आप देखेंगे कहाँ तक मैच कर रहा है, ये तो फर्स्ट डेसिमल के बाद फर्स्ट 3 प्लेस तक मैच कर रहा है, 4 प्लेस, क्योंकि हम यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेस यूज कर रहे हैं, 4 प्लेस चूज कर रहे हैं, तो नेक्स्ट आंसर हमारा करेक्ट कहाँ तक आएगा, 2 प्लेस डेसिमल सिस्टम तक। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 3 अगर राउंड अबाउट कर दूँ तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप क्या आ गया एक्स, लॉग एंटी लॉग लेने के बाद इस साइड पे एक्स आ गया, तो एक्स किसके बराबर आ गया 1.2236। तो 6 से 5 से बड़ा है, इसमें एक ऐड कर देंगे तो ये क्या आ चुका है, जवाब आ चुका है। आप इस तरह करें तो इजी और एक्यूरेट आपका आंसर आएगा, नहीं क्योंकि इसमें फ़र्क कितना आ रहा है, 0.0 यहाँ तक ठीक है, उससे आगे चेंज हो रहा है, तो डायरेक्ट करें कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड, तो ये जवाब आता है। तो इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसके।